नाउन चैप्टर हमने कंप्लीट किया है और इसमें एक्सरसाइज वन के अंतर्गत फोकस करेंगे मेक करेक्शन वेयर एवर इज नेसेसरी, करेक्शन कीजिए जहां जरूरी आपको लगे, ठीक है। जैसे देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिख रहा है जी, ही पुट ऑन हिज पैंट एंड वेंट टू सी डियर्स, याद रखिए ही पुट ऑन हिज पैंट एंड वेंट टू सी डियर्स, ही मेट मी मेनी शिप्स ऑन द वे। तो अब बताइए, आप पढ़िए और जहां जहां गलत है, देखिए इसमें कोई ऑप्शन नहीं है तो वो आपको ऑप्शन वाले हम धीरे धीरे देंगे, ठीक है। तो अब आपको सोचना है कि क्या सही क्या गलत है, तो बिना ऑप्शन से पता चलेगा कि हमने जो बताए हैं या मैं जो बताने वाला हूं या आपने जो पढ़ा है उससे रिलेटेड आपको पास क्या नॉलेज है, व्हिच टाइप्स ऑफ नॉलेज यू हैव रिलेटेड टू इंग्लिश। और इंग्लिश के क्लासेस के जो हैं आपके टेट के एग्जाम में भी काम करेंगे, चिंता ना करें, ठीक है। तो अब क्या है, जैसे कि तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं दो तीन जगह तो आपको गलत दिख रहे हैं, जैसे कहाँ दिख रहे हैं पैंट डियर्स सीप्स। बोलो क्यों, क्योंकि आप जो पैंट पहनते हो तो पैंट हमेशा प्लुरल में होता है, जैसे सीजर्स, देखो जी है ना, पैंट्स है, क्लियर। डियर्स जो होता ना, डियर ही प्लुरल वर्ड है, सीप ही प्लुरल वर्ड है, तो डियर सीप ये सब ऐसे वर्ड हैं जिसको प्लुरल बनाने के लिए एस बनाने एस लगाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, इंडिया वॉन इन द फर्स्ट इनिंग, ही कट द न्यूज विथ सीजर एंड केप्ट द क्लिपिंग इन हिज ट्राउजर। अब सोचो कहाँ कहाँ गलत है भैया, नहीं तो यहाँ पर आप देखो गलत पर अगर फोकस करेंगे तो यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है, ही वॉन इन द फर्स्ट इनिंग्स नॉट इनिंग, ही कट द न्यूज विथ सीजर्स नॉट सीजर, कैप द क्लिपिंग इन हिज ट्राउजर्स नॉट ट्राउजर। देख लो जी दो नंबर में क्या इनिंग्स है, सीजर्स हैं, ट्राउजर्स हैं। तो अभी हमने क्या बताया, ये जो आप ट्राउजर्स देखोगे ये तो पेंट का ही गोतिया भाई है, नहीं है जी, पेंट का ही गोतिया भाई है ना, और जरूरत पड़ता है तो नहीं, अगर छोटा बड़ा करना तो सीजर कैचिया से तो काट ही देते हैं। तो ये देखो ये सब ऐसे वर्ड जो हैं जो हमेशा प्लुरल में होते हैं, अगर एक पार्ट को अगर हटा दिया जाए तो दूसरा पार्ट का कोई वैल्यू नहीं रह जाता है। पेंट है, एक पार्ट को पहन के चलो दूसरा पार्ट देखिए कहा लगेगा, है ना, भले भविष्य में आने वाले समय में वो स्टाइल हो जाए फैशन हो जाए बात अलग है। नेक्स्ट, द इमेजरीज आर वेरी ब्यूटीफुल इन द पोएट्रीज ऑफ केट्स केट्स, ठीक है। तो याद रखे कभी भी इमेजरीज नहीं होता, इमेजरी, ठीक है, देख लीजिए इमेजरी, पोएट्रीज नहीं होता पोएट्री। तो द इमेजरी आर वेरी ब्यूटीफुल इन द पोएट्री, इन द क्या है जी, पोएट्री, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इन ही इन कम्युनिस्ट कंट्रीज वेजेस अर्नर्स आर गिवेन ग्रेट इम्पोर्टेंस, दे आर गिवेन अ गुड प्रेमिसी टू लिव इन, ठीक है, टू लिव इन, याद रखोगे। तो क्या बोला जा रहा है, अब इस पर क्या फोकस करना है, तो क्या गलतियां हैं फोकस कीजिए। तो यहाँ गलतियों की अगर बात करें, कम्युनिस्ट कंट्रीज वेजेस अर्नर्स आर गिवन ग्रेट इम्पोर्टेंस, दे आर गिवन अ गुड प्रेमिस टू लिव इन। तो देखो चार नंबर क्वेश्चन, वेजेस अर्नर वेज अर्नर्स, तो देखो दोनों में ऐसा लगा हुआ है तो नहीं, तो वेज अर्नर्स होगा, ठीक है। नेक्स्ट, प्रेमिस नहीं प्रेमिसेज, लास्ट में एस आपके जरूर से जरूर
लगेंगे, ठीक है, आई समझ में। नेक्स्ट, ही गेव मी एडवाइसेस टू सी द सीनरीज ऑफ कश्मीर। नहीं तो बताओ क्या गलत है, विच इज यर्स। तो ही गेव मी एडवाइस टू द सीनरी ऑफ द कश्मीर। तो देखो एडवाइसेस नहीं होगा, जब भी होगा एडवाइस होगा, ऐसे नहीं होगा किसी को सलाह दोगे ना, एडवाइस ही कला। सीनरीज नहीं होगा, सीनरी होगा, जैसे इमेजरीज नहीं होता, इमेजरी होता, इमेजरीज नहीं होता, इमेजरी होता, सीनरीज नहीं होता, सीनरी होता, एडवाइसेज नहीं होता, एडवाइस होता, ठीक है। नेक्स्ट।